हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गणगौर माता की एक नई ड्रेस। तो इसके लिए हम जो हमने हमारी ग्रीन वाली जो गाउन बनाई थी वैसा ही पैटर्न कुछ है। तो उसका जैसे हमने ये सर्कल में कट किया था जो लहंगा था वो, तो इस ड्रेस में हम सर्कल का ये 1/4 का हाफ पार्ट है वो हटा रहे हैं, ऐसा कम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही वाला पार्ट है, सेम मेजरमेंट सेम कटिंग। अब इसको मैंने एक डबल न्यूज़पेपर पे रखा है, फोल्डेड न्यूज़पेपर है, वो हम नीचे डिज़ाइनिंग के लिए कर रहे हैं। ऊपर वाला जो है वो लहंगा बनेगा और जो नीचे हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा जो है जो डिज़ाइनर या फिर हेवी जो क्लॉथ रहेगा उससे हम जो डिज़ाइन करने वाले हैं उसके लिए मैं दूसरा वाला न्यूज़पेपर कट कर रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से ये मैंने इसका आउटलाइन ले लिया है। अब देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ से लगभग 3 इंच छोड़ के यहाँ पर मार्क कर रही हूँ और नीचे 5.5 इंच पे। ओके, और दूसरी साइड पे हम लोग ऊपर से मार्क लगा रहे हैं 4 इंच पे। ओके, तो अब जो ये ऊपर वाला मार्क है उसको हम ऊपर वाले कॉर्नर पे ही मिला देंगे जहाँ से हमने माप लेना स्टार्ट किया था। ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में वैसे ही। और जो नीचे वाला मार्क है वो जो हमने अभी 4 इंच वाला जो निशान लगाया है वहाँ पर हम इस तरीके से गोलाई में लेते हुए मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आप धीरे धीरे मार्क को मिला सकते हो। इस तरीके से देखो, मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर लिया है। और अब जो मैंने ये तिरछी वाली जो लाइन हमने ली थी उसको हमने यहाँ से फोल्ड किया है सही से पकड़ कर, क्योंकि हमें यहाँ से यह जो है पार्ट वो एक साथ चाहिए, हम कटिंग नहीं कर रहे हैं उसकी वहाँ से, तो हमने वहाँ से उसको फोल्ड किया है। अब जो हमने मार्क नए वाले बनाए थे वो हम कट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कमर वाले मार्क को नहीं, जो हमने बनाए हैं उन मार्क्स को कट किया है। तो ये आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसे आप देख के करते जाइए। अब ये जो कटिंग आई है इसकी हम जो हमारा हेवी क्लॉथ रहेगा उसकी कटिंग करेंगे इससे। ओके, तो ये देखिए, ये वाले जो पार्ट हैं वो मैंने 2 पार्ट्स में कट किए हैं, जो हमारे राउंड वाले लहंगे वाले जो पार्ट्स थे वो वाले हैं। तो इसका मैंने आपको जैसे बताया था कि थोड़ा सा पार्ट मैंने कम कर दिया है, तो वैसा ही ये कट किया मैंने। तो उसके पहले मैंने पेपर पेस्टिंग को कट करके और जो हमारा अस्तर था उस पर लगा दिया है। और अब एक साइड में जो और गंजा वाला क्लॉथ था वो मैंने यहाँ पर लगा के यहाँ पर बाहर बाहर सिलाई दे के इसको फोल्ड करने वाली हूँ, तो उसकी मैं सिलाई दे रही हूँ। फिर हम ऑर्गेंजा वाले क्लॉथ को जो है ऊपर की तरफ लेके आ जाएंगे। यहाँ पर जब हम गोलाई में सिलाई दे रहे हैं तो आपको पता है कि गोलाई में सिलाई देने के बाद में हम लोग को वहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने होते हैं ताकि गोलाई में जो है हम आसानी से इसको जो है फ्रंट पे ला सकें इसको वापस से। ये देखिए, ये इस तरीके से पूरा सिलाई दे के और मैंने पूरा इस पर कट लगा दिया है। ये कट्स मेनली गोलाई पे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने सिलाई नहीं दी है, वरना हम इसको फ्रंट पे नहीं ला पाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको पूरा सीधा करना है सही से, कॉर्नर्स को बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है। कॉर्नर्स अगर सीधे से नहीं निकल रहे हैं तो कोई पेन वगैरह से आप डाल के और उसको सही से बाहर निकाल सकते हो। कटिंग का ही ध्यान रखना है तो वो आप लोग पूरा ध्यान रखें। ये इस तरीके से मैंने इसके 2 पार्ट अलग अलग कट किए हैं और अब इन दोनों पार्ट्स को हम एक साइड से मिला देंगे। कटिंग का जो है वो आप ध्यान से देखें और ध्यान से करें कि किस तरीके से हमने न्यूज़पेपर को लिया है, किस तरीके से फोल्ड किया है। पहले हमने गोलाई वाला न्यूज़पेपर लिया था, उसका भी थोड़ा सा पार्ट कम किया है, फिर हमने एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर को अलग से लिया है, उसको पार्ट निकाला है अलग से। तो वो सब ध्यान में रखना है। आपको ड्रेसेस वगैरह कैसी लग रही हैं हमें बताइए, और आगे आप क्या देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अब गणगौर का तो कंप्लीट हो चुका है डेज, तो ये तो अब नेक्स्ट ईयर ही होगा।
तरीके से इन दोनों पार्ट्स को हमने जोड़ देना है। जो है हमारा जो हमने न्यूज़पेपर का दूसरा वाला कटिंग निकाला था उसका करेंगे। तो ये देखिए मैंने जो है वाला क्लॉथ था वो कटिंग निकाल लिया है और ऐसा ही मैंने एक अस्तर का कटिंग भी निकाल लिया है। तो ये हम इसका सिर्फ एक तरफ का थोड़ा सा हिस्सा ही खुला रखेंगे, बाकी हम इसके पूरे चारों तरफ सिलाई देंगे। और नीचे वाला क्लॉथ जो मेरा मेन क्लॉथ जो हैवी वाला क्लॉथ है वो वेलवेट पे डिज़ाइन है, तो वेलवेट का है तो आराम आराम से सिलाई करें क्योंकि वरना वेलवेट इधर उधर होता रहता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी चारों तरफ सिलाई दे दी है, सिर्फ एक पार्ट ही मैंने आगे से थोड़ा सा खुला रखा है, बाकी पूरा सिलाई देके और जो गोलाई में सिलाई है वहाँ पर हमने कट्स लगाने हैं। तो वो सारे कट्स अब लगा कर हम इसको फ्रंट पे लेके आ रहे हैं। तो इसको ऐसे धीरे धीरे करके पूरा हम बाहर निकाल लेंगे और ये बिल्कुल जो भी सिलाई वगैरह है वो सब कुछ अंदर चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से निकल के आ जाएगा। और अब हम जो है इसके बाहर बाहर भी यहाँ पर सिलाई दे रहे हैं ताकि ये जो अस्तर है वो फ्रंट पे दिखे ना और जो इसकी फिनिशिंग है वो भी अच्छे से आ जाए। तो हमने जो पार्ट ही खुला रखा था वहाँ पर हमने आधा आधा इंच के करीब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। और अब हम जो सिलाई दे रहे हैं वो हमने बिल्कुल किनारे पे देनी है। सिलाई देके ये पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा लहंगे वाला पार्ट है इस और इस पार्ट को हम जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वहां से ये देखिए यहाँ पर भी हमने दोनों तरफ बराबर मार्जिन ड्राइव रखा है। और अब जो हमारा ये जो हैवी वाला क्लॉथ है उसमें हम यहाँ पर दो तीन जो है सल डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी डाल सकते हो, आप नहीं डालना चाहते तो आप सीधी सिलाई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ दो दो चुनटे डाली है। और फिर हमने इस पे नेफा लगा देना है। तो नेफा हमने यहाँ पे लगा लिया है, तो ये हम जैसे हमेशा लगाते हैं वैसे ही लगाया है मैंने। और फिर हम इसको ऐसे एक साइड पे दोनों पार्ट्स को फोल्ड करके और हाफ तक सिलाई दे देंगे। इसमें हम हाफ से थोड़ा कम भी सिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कमर का मार्जिन है जो नेफा है वो हमारे बाकी लहंगों से कम है क्योंकि हमने ये जो हमारा पूरा राउंड पार्ट था उससे कुछ पार्ट कम किया है। तो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा ओपन रख सकते हो ताकि आपको पहनाने में इजी रहे। और ये देखिए अब इसको हम फ्रंट पे बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा न्यू लहंगा बनकर जो है वो तैयार है। यहाँ पर मैंने लहंगे में जो हम गोटे वाली लेस लगाते हैं वो मैंने लगाई है बाद में, तो आप भी चाहो तो लगा सकते हो। इसको आप इस तरीके से फ्रंट पे रख के पहना सकते हैं, साइड में रख के पहना सकते हैं डिज़ाइन को।
जैसे भी आप चाहो वैसे पहना सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से गोटा मैंने बिल्कुल किनारे पे दो बार लगाया है, आप भी चाहो तो इस तरीके से लगा सकते हो। अगर आप कोई अदर लेस वगैरह कुछ लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। और इस तरीके से हमारा ये जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और बाद में हम नेफे में इसमें डोरी भी डाल देंगे तो ये लहंगा कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। और आप जो ब्लाउज़ है वो हमारे अदर वीडियोस में देख सकते हो, वही सेम मेजरमेंट से बनाया है मैंने, तो उस तरीके से आप बना सकते हो। और यहाँ पर जो चुनरी है गणगौर माता की, उसके लिए मैंने ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक लिया है, और फ्रंट पे ये 2 times गोटे वाली लेस लगाई है, और बाकी 3 side मैंने ये जो है फरी वाली लेस लगाई है। आप जो लेस चाहो वो लगा सकते हो। तो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना।